बस्ती यूपी में बोर्ड का एग्जाम देने जा रही छात्रा की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र के केली अस्पताल के पास हुआ। ओवरटेक कर रहे थे वो ऑटो का बगल में लग गया है। किसे हुआ? बगल में ट्रक था, उसे ट्रक में और ऑटो में ओवरटेक करते हुए लग गया। ट्रक से हुआ सब? क्या ट्रक वाला पकड़ा गया? ट्रक वहीं खड़ा है, ट्रक वाला भाग गया, ड्राइवर भाग गया, ट्रक खड़ा है। केली अस्पताल फैजाबाद पुलिस की लापरवाही ने आज हंगामे का रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने शहर के नियावा चौराहे को जाम कर दिया। मुरैना की सिविल लाइन थाना पुलिस ने लगभग 9 लाख रुपए कीमत के पाम ऑयल से भरे लूटे के ट्रक को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की। साथ ही पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को भी हिरासत में ले लिया। टेकरी हिल्स के साथ में गया था, मैं बैठ गया, मनिया खाली के करवाया, भी कम गया। वहाँ से मुरैना के लिए ला रहा था कि मैं अपनी जगाड़ी में काम करवाऊंगा, फिर बरने जाऊंगा। बस रास्ते में पकड़ ली थी। जो दिनांक 28 को रात लगभग 8:30 बजे भी रोड से इसको ट्रक नंबर MP07GA1376 को हाईजैक कर लिया था एक बुलेरो लगा के, और 4 लोगों ने इसको किया था। इसमें जो ट्रक चालक था रामेश्वर गौड़ और मुनीम श्याम बिहारी, ये और एक बच्चा बैठा हुआ था, तो इनको बुलेरो बिठा लिया और ट्रक को ड्राइवर दूसरा बैठ के आरोपी इसको धौलपुर की तरफ ले गए। और उस जो दोनों बंधक बनाए हुए जो ड्राइवर और क्लीनर थे उसके और मुनीम, इनको ले जाके देवगढ़ थाना क्षेत्र में रात्रि लगभग 3-4 बजे करीब छोड़ा। और हम लोगों ने इस तरह से केस रजिस्टर्ड किया था लूट का, और इसमें लगभग 8,83,000 रुपये का तेल पामोलिन ऑयल लदा हुआ था। तो इसको हम लोगों ने जाकर मुखबिर की सूचना पर इसको बरामद कर लिया है, और एक दो आरोपी इसमें गिरफ्तार किए हैं। जदिया, एक आरोपी जदिया है गुर्जर, और दूसरा आरोपी भीकम सिंह कुशवा है जो धौलपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुंबई के ट्रांबे चीता कैंप वार्ड नंबर 135 की नगर सेविका खेरुनिशा अकबर हुसैन दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इनको कांग्रेस पार्टी में शामिल होते ही जैसे कि कांग्रेस पार्टी में बाहर सी आ गई। पार्टी के बड़े नेताओं ने अकबर हुसैन और उनकी पत्नी खेरू निशा का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत किया। गुड हेल्थ इज ह्यूमैनिटीज बर्थराइट। बाबा रामदेव पतंजलि हर्बल फूड एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। पतंजलि आयुर्वेदिक संस्थान अपोजिट परिमहल कुंजवानी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि आयुर्वेद।
रिसोड पुलिस स्टेशन के जेल में 2011 में एक आरोपी के मौत के मामले में जाउलका रेलवे पुलिस थाना के थानेदार सहायक पुलिस निरीक्षक किरण कुमार सालवे और पुलिस कर्मचारी लक्ष्मण केंद्रे को आज सीआईडी के पथक ने हिरासत में ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन की प्रेरणा लेकर छतरपुर की 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी जमा पूंजी जेवरात बेचकर घर पर शौचालय बनाकर एक मिसाल पेश की है। मुरैना में गुरुवार देर रात खनन माफियाओं ने न केवल रेत से भरा डंपर वन विभाग की टीम से छीन ले गए, बल्कि वन विभाग के अधीक्षक सहित 3 लोगों को लाठी डंडों से पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल कर भाग गए। रात को जयप्रकाश शर्मा जो SDO फॉरेस्ट है, वो उनको एक रेत का डंफर MP06GA 2255 जिसमें रेत भरा हुआ था वो दिखाई दिया IV रोड पे कृष्णा होटल के पास में। तो उन्होंने उनको रोका, पीछे से रेत माफिया बंटी पहलवान अपनी स्विफ्ट गाड़ी से वहाँ पहुँच गया। उसके साथ 3 अज्ञात लोग थे और चारों ने अपना डंपर न कार्रवाई कर पाए डंपर के विरुद्ध और डंपर को भगाने की दृष्टि से उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनको जयप्रकाश शर्मा जी SDO फॉरेस्ट हैं उनको चोट आई है और उनके साथ में वनरक्षक था उनको लाठी डंडों की मूजी चोट, विशाल सिंह तोमर है वनरक्षक, उसको आई है। पुलिस मदद करती है फॉरेस्ट वालों को, उन्होंने कल मदद नहीं मांगी उनको, ऐसी कोई यहाँ तो पुरानी परंपरा है हमला हमला करने की, तो जरा स्ट्रॉन्गली जाना चाहिए, स्ट्रॉन्गली ही पुलिस उसकी मदद लेके उनको करना चाहिए तो ज़्यादा ठीक रहता है। अरे रात्रि गश्ती में हम लोग निकले थे, क्योंकि चंबल के आसपास जो हम लोग खंतियाँ खोदते हैं वो खंतियाँ ये लोग भर देते हैं, हमने की रात में थोड़ी दबिश है, तो मैं रेंज अफसर हमारा स्टाफ वैसे अब्बल और सरायछोला की पुलिस लेके हम लोग गश्ती कर रहे थे, जयपुर गश्ती करी, राजघाट गश्ती करी, गश्ती करके हम SAF को वहाँ रुक गया कि हमने आप थोड़ा एक घंटा रुका, हम लोग आ रहे थे जैसे ही देवरी गाँव से पहले रुके तो वहाँ एक डंपर हमको 2-3 आगे निकले, उन डंपर को हमने रोक के उसके ड्राइवर को पूछा तो क्या बोले साहब रेत ला रहे हैं चंबल से, हमने बड़े प्रेम से उसको बताया समझाया, धीरे धीरे प्रेम से बात कर रहे थे हमने, इसको बातों में उलझा लें, जब तक हमारे रेंजर साहब ने फ़ोन कर दिया SAF को और हमारे स्टाफ को और जो पीछे था वो, बस हमारे 5-10 मिनट की हमारी बातचीत हुई, इसके 10 मिनट बाद वो आ गए, जब तक उस दौरान ही 5-10 मिनट के बीच में वो एक स्विफ्ट गाड़ी आई, स्विफ्ट गाड़ी वाले ने उसमें से लठ वठ निकाले और लठ बरसाना शुरू कर दिया, उसने आओ देखा ना था मतलब मादर चो तो हमारी गाड़ी पकड़ोगे ऐसी जान से मारेंगे तुम्हें साले, देखें कैसे पकड़ते हैं, बस आओ देखा ना था लठ बरसाना शुरू कर दिया, हमारे डिप्टी रेंजर विशाल तोमर को पसलियों में दिए लठ, एक सिर में लठ दिया, एक फॉरेस्ट गार्ड था राम लगन सविता उसको तो बेचारे को पैदल ही भगाया, तो अभी भगता हुआ अभी देवरी पहुँचा है। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित CMI हॉस्पिटल में उस समय हड़कंप मच गया जब हॉस्पिटल आई 2 महिलाओं की मौत हो गई। डिलीवरी के दौरान हुए बच्चों को तो बचा लिया गया पर डॉक्टर दोनों महिलाओं को नहीं बचा पाए, जिस पर मृतक महिलाओं के परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हमने 1:30 बजे भर्ती की थी जी। और क्या नाम है, इन्होंने जो 2:30 बजे गरीब ऑपरेशन किया जी। उसके बाद बच्चा हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल, हम बार बार बुलाने जा रहे हैं और आने को कोई तैयार नहीं है, बार बार जो है ना कई बार कहना पड़ रहा उस बात को, और इन्होंने कौन से इंजेक्शन लगाया कौन से नहीं ये मुझे मालूम नहीं। क्या नाम है महिला का, आपकी पत्नी की उम्र कितनी होगी, नाम क्या? 22 साल। देखिए ये ज्वालापुर पीट बाजार में CMI हॉस्पिटल जो है, यहाँ 2 महिलाएं डिलीवरी के लिए एडमिट की गई थी कल, तो दोनों के मामले में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आने के बाद इनको रेफ़र किया गया अलग अलग हायर सेंटर्स में, उनके बाद दोनों की डेथ हो गई है। तो इस मामले में जो दोनों महिलाएं हैं उनके परिजन और जो लोग हैं स्थानीय लोग उनमें रोष है इस अस्पताल के प्रति कि इसमें इलाज में लापरवाही की गई है, तो इसमें मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी आ गए हैं, इसमें फिलहाल इसमें जो मरीज हैं इसमें हॉस्पिटलाइज्ड
को हमने जो हल्के फुल्के बीमारी में है उनको रिलीफ करवा दिया है। बाकी इस पर जो है सीज करके इस पर प्रॉपर छानबीन की जाएगी। उसके अलावा इसके लीगल एस्पेक्ट्स देखते हुए इसमें लीगल कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें दोनों डेड बॉडीज़ को यहाँ पे रखा गया था जिनका पीएम होना अनिवार्य था लीगली, उसमें धक्का मुक्की हुई है, सभी के साथ हुई है क्योंकि भीड़ में उसमें मैं भी था, लाठी चार्ज वाली बात नहीं थी। हाँ, उस भीड़ में कुछ लोग अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे थे, उनको हटाया गया है। विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल सही, मुंबई ठाणे के पास दीवा का विकास कई सालों से नहीं हो रहा था। विकास करने के लिए युवा नेता श्री प्रवीण नीलेश पाटिल और उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना प्रवीण पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। शामिल होते ही पार्टी के बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया और पार्टी में शामिल होते ही प्रवीण नीलेश पाटिल और अर्चना पाटिल ने प्रतिज्ञा ली कि दीवा का विकास ही हमारा मकसद है और हम दीवा का विकास करके रहेंगे। डिजिटल JNK आपके लिए लेकर आया है एक ग्रेट डील जिसमें हर छोटे बिजनेसमैन से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन के लिए सिर्फ 150 रुपए में पूरे साल की एडवर्टीजमेंट का मौका। रजिस्टर योर नेम एट www.digitaljnk.com। ऑनलाइन लोकल बिजनेस सर्च, ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सर्विस, एडवर्टीजमेंट एट ₹150 पर ईयर। डिजिटल JNK, एक्सपैंड योर बिजनेस। बिजनौर MLC चुनाव में मतदान के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मामूली सी बात को लेकर बसपा के विधायक व सपा नेता में हाथापाई तक की नौबत आ गई। और इतना ही नहीं, सपा के नेता ने चुनाव में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी तक को नहीं बख्शा। भाई लाइन तोड़ के कौन गया अंदर? तो वहाँ जो अंदर तहसीलदार विधायक जी है, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में सबको बराबर का राइट है, सब लोग लाइन में लग करके वोट डालें। इतनी देर में जो है वो विधायक चांदपुर जो है बहुत गर्म मिजाजी से तड़तड़ाते हुए मेरे ऊपर को चढ़े, कुछ कहा सुनी हुई बस, और कोई बात ऐसी नहीं। सरकारी कर्मचारी को तो मेरा मतलब ही नहीं है कुछ, वो तो मेरा कोई मतलब नहीं सरकारी कर्मचारी से, वो उनका रिश्तेदार है और वो गलत तरीके से जो है दे रहा है। मेरे सीनियर हैं, मैं तो कह रहा था, मुझे तो अभी पता चला सडनली कि उसने मुझ पर आरोप लगाया मारने का, वो उसका रिश्तेदार है, उसने लगा दिया होगा आरोप, लेकिन मैं तो मेरा उससे क्या मतलब है। सर मारपीट ये हुई कि मतलब MLC का चुनाव चल रहा था, मेरी यहाँ फ्रिस्किंग पर ड्यूटी थी तो मैं तलाशी ले रहा था ये लोगों की, तो यहाँ आ गए, वहाँ बूथ पे मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ, MLA साहब वोट डालने आए थे, विधायक इकबाल ठेकेदार, तो वो आ रहे थे लड़ते हुए, तो वो उनमें कुछ कहा सुनी हुई वहीं बंदा शेरबाज पठान में इकबाल में या जो भी हुआ वहीं, वो पीटा सिंह को इनको सबको वो दिख कर रहा था, शोर मचा रहे थे वहाँ शेरबाज पठान, तो वो बाहर वोट बिना वोट डाले आ रहे थे। मैंने इतना पूछ लिया था, वोट डाल दिया आप क्यों ना, तो इतना बोझा तो उसने शेरबाज ने बुला के मुझे ना तू बहुत नेता बन गया और मेरे थप्पड़ मार दिया जी, मेरे एक थप्पड़ मारा। तो शेरबाज पठान की पत्नी को यहाँ की चेयरपर्सन है जी, वो एजेंट बने हुए थे यहाँ। आज यहाँ चांदपुर कस्बे में नगर पालिका में बूथ बना था, इसमें जो इलेक्शन एजेंट बने थे चेयरमैन पति और यहाँ के स्थानीय विधायक भी, उन दोनों के बीच में लाइन में खड़ा होने के लिए विवाद हुआ, हॉटटॉक हुआ और उसमें हाथापाई हुई, और उसमें हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, वीडियोग्राफी देख रहे हैं और हमारे पास अन्य लोग भी जो यहाँ पे तैनात थे कर्मचारी उनके बयान भी ले रहे हैं। तुरंत हमारी फोर्स पहुँच गई, हमारे सभी कर्म मजिस्ट्रेट पहुँच गए और उन दोनों को अलग अलग करके उनको डिस्पर्स कर दिया। इसमें हमारे अभी जाँच शुरू हो रही है, पहला हमारी प्रायोरिटी है कि 4 बजे बूथ बैलेट बॉक्स सील करके वहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखें, उसके पश्चात जो वैधानिक कार्रवाई है वो शुरू होगी और इसमें उत्तरदायी निर्धारित होगा और कार्रवाई कड़ी कार्रवाई होगी। अभी FIR दर्ज हो रही है, हम लोगों ने तहरीर बनाना शुरू किया है, तहरीर जो मिलेगी उसमें मुकदमा लिख जाएगा, जिन्होंने भी गलती की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति लेफ्टिनेंट जनरल जमीर उद्दीन शाह ने इस मामले में खेद व्यक्त किया है कि प्रेस और सोशल मीडिया में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केंद्रों से संबंधित केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ मीटिंग की खबर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को बदनाम करने और एक नए विवाद के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने अब पूरे क्लैरिफिकेशन है उसमें। वाइस चांसलर अभी मिलने गए थे स्मृति ईरानी से, वहाँ पर मिल्ली गजट में खबर आई है कि वाइस चांसलर को दुत्कार कर निकाल दिया स्मृति ईरानी जी ने। वहाँ पर ओमन चांडी जी भी बैठे थे, केरला के CM, उनकी मौजूदगी में मिली गजट की ये
एकदम पुख्ता खबर है कि इन्हें जो है दुत्कार का बाहर निकाल दिया। हम इसकी मजम्मत करते हैं पहले, लेकिन यहाँ पर वाइस चांसलर से भी हमारी ये डिमांड है कि आपको अगर ऐसा किया गया तो आपको खुलकर ये चीज सबके सामने रखनी चाहिए थी, इसका खंडन नहीं करना चाहिए था। ये भी चीज सही नहीं है। अगर ये चीज हुआ है वहां से एचआरडी मिनिस्ट्री से तो ये बात गलत है। एक वक्त से डेलीगेशन से ये कहा कि ये सेंटर इलीगल है। इस सिलसिले में मुझे वजाहत करनी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट जो पार्लियामेंट से पास होता है उसकी दफा एक्ट की 12(2) में बहुत वादा तौर पे लिखा हुआ है कि अगर यूनिवर्सिटी की जो बॉडीज हैं एकेडमिक काउंसिल, एकेडमिक बोर्ड ऑफ स्टडीज, अगर ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल अगर ये प्रपोजल्स रखती हैं तो यूनिवर्सिटी के सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। पिरान कलियर क्षेत्र में तार चोरों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय था, जिसको लेकर कलियर पुलिस काफी परेशान थी। आखिरकार धनोरी चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। इसके चलते पुलिस ने इन चोरों से चोरी किए गए 5,00,000 के तार सहित एक होंडा सिटी कार और 3 तमचे, 2 चाकू, 1 ट्रांसफार्मर और केबल के साथ 5 गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इलाके में कुछ संदिग्ध लोग दिखाए जा रहे करके, फिर हमारी टीम जाके उनका ये करके पूछताछ करने पर जो है पता हुआ कि उनसे साथ से जो है ये जो चोरी हुआ है करंट ट्रांसफार्मर एवं लगभग 45 मीटर का केबल, 3 फेस का केबल, मैं इनका कटर स्पैनर टाइप का जो टूल्स है और एक होंडा सिटी गाड़ी बरामद हुई है और 3 तमंचा, 2 चाकू। इसमें जो है हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। 5,00,000 का है जो सामान, उसमें एक जो है जनपद मुजफ्फरनगर का है, 2 लोग जो है जनपद बिजनौर का है, एक मुरादा। टीकमगढ़ के ओरछा में भगवान राम राजा सरकार के दर्शन के बाद निवाड़ी पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह ने कांग्रेस की जन विश्वास यात्रा पर जमकर निशाना साधा। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने उनकी जनविश्वास रैली पे बहुत अच्छी टिप्पणी की है कि कांग्रेस दूरबीन लगा के विश्वास ढूंढने निकली है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता का वो विश्वास खो चुकी है और वो दोबारा कभी विश्वास हासिल नहीं कर सकती। उनके ऐसे कर्म रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनता वो चाहे जो कर ले कांग्रेस पे अब भरोसा नहीं करेंगी। मध्य प्रदेश की जनता का पूरा विश्वास, पूरा भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को जो विकास के आयाम दिए हैं, आज़ादी के बाद हमारे मध्य प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने जन जन की चिंता करते हुए, गांव-गांव की चिंता करते हुए, हर जिले की चिंता करते हुए समग्र विकास का काम किया है।